Hey guys, it's Kritleen. Welcome back to the vlog. So guys, बहुत लोगों ने request किया कि gentleman एक drama आ रहा है. Gentleman, हुमायूं सईद, यमुना ज़ैदी, अदनान सिद्दीकी, अहमद अली भट्ट, ये सब लोग हैं इस drama में. तो सबसे पहले हम coming soon वाला एक मुझे teaser दिखा, हम उसके ऊपर react करते हैं. फिर दो और teasers हैं, I will react करते हैं. तो जल्दी से इसके ऊपर react करते हैं, let's go. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. टू चेक आउट माय इंस्टा हैंडल एज वेल. लेट्स अहमद अली भट्ट इज दिल पर ना अच्छा लग रहा है. म्यूजिक भी अच्छा लग रहा है. खलील उर रहमान का मैंने लिखा है तो अच्छा तो फिर उससे भी बहुत सही. कास्ट भी बहुत सही है. टीजर वन आ चुका है तो हम टीजर वन के ऊपर रिएक्ट करते हैं जल्दी से. लेट्स गो. चल मुन्ना अपना हाथ उठा और मेरे साथ साथ बोल. मैं इकबाल मुन्ना. मैं इकबाल मुन्ना अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ. अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ कि अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा. कि मैं अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा. भत्ता नहीं लूँगा. भत्ता तो मेवर भाई आए हेड भत्ता. किसी को जान से नहीं मारूंगा. किसी को जान से नहीं मारूंगा. लव नहीं करूंगा. लव लव बोले तो प्यार. किसी से लव करता है क्या? बहुत प्यार करता हूँ. हम बहुत तड़पता हूँ सरनाथ जी. मैंने भाई मैं लव नहीं करूंगा. भाई आपकी कसम लव नहीं करूंगा. जान दे दूंगा लव नहीं करूंगा. यार, कितना सही लग रहा है. तुझे एक रंगी दो और ढाई बीटी है. मजे सब कह गए. हम गुंडों की जेंटलमैनों से लड़ाई है और अगर हम हार गए तो गरीब उसी तरह रियाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे यहां से. बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर. टीजर वन तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. मैं पूछती हूँ निगुंडा नाम की स्पीशी होती क्या है. एचओडी से कहो मैं उसका इंटरव्यू करूंगी लेकिन सवाल अपनी मर्जी के करूंगी. गुंडा हमारी ना इंसाफी बुजदिली और करप्शन से पैदा होने वाले उस कीड़े का नाम जो हमारी हिम्मत और वकार को पैरालाइज कर देता है. इसी गुंडे के आड़ में छुपकर हमने अपने मुल्क के 74 साल जाया कर दिए और अब जब वो अपने पैदा करने वाले से अपना हिस्सा मांगता है तो आप चीख चीख कर कहते हैं कि वो गुंडा है. मरवाएगी दिलवर. कारोबार खत्म कराएगी अपना. Whatever नहीं सर. डीसी साहब हुकुम की तामील करेंगे. तामील में आप उनकी मदद करेंगे. चैनल पे शो होगा. मुझे स्क्रिप्टेड लाइंस बोलनी पड़ेंगी. हाँ सबके आपसी तालुकात बढ़ जाएंगे लेकिन गुंडों का बाल बाका नहीं होगा. हम चैनल से तनख्वाह लेते हैं तो उन्हें सर्व करना पड़ेगा. मुल्क से कुछ नहीं लेते हम. चैनल से एक तनख्वाह लेते हैं उसके लिए दुगनी मेहनत करते हैं. मुल्क से पता नहीं क्या क्या लेते हैं. उसको कब सर्व करेंगे हम. मुझे ना थोड़ी सी वैसे भाई भाई कि कौन सी मूवी मैंने देखी हुई है. वैसे स्टोरी नहीं है मैं वो नहीं कह रही हूँ. मुझे थोड़ी सी वैसे भाई भाई वो अजय देवगन की मूवी थी शूट आउट एट समथिंग ऐसा कुछ. उनकी एक मूवी थी जिसमें वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभा रहे हैं. वो भी थोड़ा इसी वाइब वही है. सिनेमाटोग्राफी वैसी लग रही है लेकिन ऑब्वियसली स्टोरी वैसी नहीं. उनकी जो लड़की है यमुना ज़ैदी वो बनी है जर्नलिस्ट ज़ैनब. एंड मुझे हुमायूं सईद का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा. ये दिन प्रतिदिन यंग होते जा रहे हैं. एंड अदनान सिद्दीकी इनके बड़े भाई बने हैं. एंड वो इनसे कुछ वादे लेते हैं आई थिंक टू हैंड ओवर हिज बिजनेस. इनका जो मुझे ऐसा लगा कि वो अपना थोड़ा बिजनेस बांटना चाहते तो अपने भाई को इन्वॉल्व करते हैं लेकिन उनसे कुछ कुछ वो वादे लेते हैं. तो मुझे लगता है कि हाँ हाँ हर वादे को हाँ हाँ करी जा रहे हैं. फिर करेंगे हुमायूं सईद अपनी इकबाल मुन्ना. वेरी इंटरेस्टिंग नेम. बहुत ही रस्टिक सा ये पूरा ड्रामा लग रहा है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच. सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं. इन सब के अपने अपने रोल्स होंगे एंड अपनी अपनी स्टोरी होगी. तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. एंड अच्छा कैरेक्टर है यमुना ज़ैदी का भी. शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. उनको ऐसे कैरेक्टर्स आई फील उनको सूट करते हैं.
शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, तो जब वो किसी भी इशू के बारे में बात करती हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा, एंड अच्छा कि आप लोगों ने मुझे रिकमेंड किया. आई लव इट. सो गाइस, दिस इज माई रिएक्शन. दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ. आई लव यू.